घंटों YouTube पे सर्च करने के बाद, वैरायटी ऑफ रेसिपीज में टाइम वेस्ट करने के बाद, मैंने अल्टीमेटली अपने बच्चे को दिया क्या, तो ये टिफिन देने का रीजन लेजीनेस तो है ही, नो डाउट। लेकिन इस लेजीनेस से मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के टिफिन के मुझे कुछ फायदे दिखते हैं, जैसे कि ये ट्रेडिशनल खाना है, कुछ अलग से आपको बच्चे के लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आप अपने लिए बना रहे हैं वो आप बच्चे को दे सकते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई एडेड शुगर नहीं है, कोई बाहर का पैकेज्ड फूड नहीं है। लास्ट फायदा ये होता है कि ये इतना बोरिंग टिफिन है कि दूसरे बच्चे आपके बच्चे का टिफिन खाली नहीं करेंगे और उनको पूरा खत्म करके आना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है मशरूम का भुजिया और साथ में रोटी के साथ इसको रोल करके मैंने दे दिया है, रोटी में घी लगा के, और एक टिफिन के लिए वहाँ पे बनाना रख दिया है। अनफॉर्चुनेटली मेरी बेटी को ये अच्छा लगता है, इसकी टीचर ने यहाँ तक बोल दिया है कि आप दो रोटी दिया करिए, बिकॉज एक रोटी इसका जल्दी फिनिश हो जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ये आलू बीन्स का भुजिया के साथ रोटी, तो ये ग्रीन वेजिटेबल भी है, काफी हेल्दी है बच्चे के लिए, साथ में फ्रूट टिफिन के लिए बनाना रखा है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है ये फ्राइड राइस, या फिर आप जो बच्चे लेफ्ट ओवर राइस होता है उसका पुलाव बना सकते हैं, या फिर आप लेमन राइस बना सकते हैं, और साथ में मैंने ऑरेंज रख दिया है। अगर आपको भुजिया बनाने का भी मन नहीं कर रहा है तो आपके पास ये पीनट बटर या फिर गुड़ का ऑप्शन होता है, मैंने रोटी गुड़ काफी बार दिया है, मेरी बेटी पसंद भी करती है। साथ में फ्रूट टिफिन के नाम पे मैंने मखाना दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट टिफिन है ये आलू शिमला मिर्च का भुजिया साथ में रोटी का रोल, तो इसका ये फायदा होता है कि अगर आप जैसे आलू का भुजिया है, भिंडी का भुजिया है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं, आप एक तरफ भुजिया बनाते हैं और दूसरी तरफ आप रोटी बनाते हैं, तो आपका टिफिन रेडी हो जाता है, आपको अलग से प्याज टमाटर कुछ काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये पपाया साथ में मैंने पैक कर दिया है। अब यहाँ पर काफी बार मेरे मन में आता है कि मैं रोटी छोड़ के ब्रेड दे देती हूँ, ब्रेड चीज मैंने देने का ट्राई भी किया है पर मेरी बेटी उसको पसंद नहीं करती है, एंड ब्रेड ओवरऑल मुझे बहुत ही अनहेल्दी ऑप्शन लगता है रोटी के कंपैरिजन में। कभी कभार पास्ता नूडल्स दे सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म नाश्ता नहीं होता है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे को ज्यादातर अपने ट्रेडिशनल खाने से ही टच में रखूँ।